में से कुछ चुनिंदे लोग जिनको मिर्ची लग गई, सिर्फ घूमना रहता है, आप अपना फैमिली नहीं देखते हो। मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया कि हमें कहीं जाना है और हम चले गए। अरे निक्की दी तो घूमने निकल गई, अब घर का काम कौन करेगा। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो घर का कुछ काम नहीं करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप आराम कर रहे हैं और आपका सारा काम कोई और कर रहा है। और सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं शो नहीं करती हूँ, मुझे कैंसिल हो सकता था। और मुझे नहीं लगता कि मेरे को, मतलब मैं सही बताऊँ तो ऐसा कोई सिचुएशन था जिसको हमें वो प्लान कैंसिल करना पड़ता। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा सारा ट्रिप ख़त्म हो चुका है और आने वाले एक दो महीने, चार पाँच महीने तक तो मुझे नहीं लगता हम कहीं भी जाएंगे। इतनी थकान हो गई है। बाबू आराम से। सो इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना, बैंड बज गई है पूरी बॉडी की। ऐसा लग रहा है कि बस सोए रहो सोए रहो सोए रहो, ऐसा वाला हो गया है। सो बैक टू बैक इतने सारे ट्रिप हो गए जो अनप्लान ट्रिप थे, बिल्कुल भी प्लान नहीं थे। भैया भाभी आ गए, सडन हम लोग मथुरा चले गए, सडन हम लोग गोल्डन टेम्पल चले गए। मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हमने प्लान किया हुआ है कि हम जाएंगे। एक दो दिन पहले ही ये सारी चीज़ें प्लान हुई और हम चले गए और मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। एक छोटा सा फैमिली ट्रिप था, सभी लोग तो नहीं जा पाए थे, मम्मी और भी हमारे फैमिली मेम्बर में सभी लोग नहीं जा पाए थे। बिकॉज़ हम सभी अगर कहीं एक साथ चले गए तो घर फिर कौन संभालेगा, और घर हम लोग अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी अपना घर अभी अकेले, सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है ना कि घर अकेले छोड़ना कि मतलब आप जानबूझ के खतरा मोल ले रहे हो, ऐसा वाला हो जाएगा। सो हम भी सभी लोग गए थे, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। बट उनमें से कुछ चुनिंदे लोग जिनको मिर्ची लग गई, और उन लोगों ने मतलब थोड़े से ऐसे ही कमेंट किए कि आपको सिर्फ घूमना रहता है, आप अपना फैमिली नहीं देखते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ घूमना है, इन्जॉय करना है, बहुत सारी मतलब ऊट पटांग की बातें लोगों ने की। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे लोगों को जवाब देना भी ज़रूरी होता है, हमेशा सुन के चुप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर सामने वाला ना फ़ायदा उठा लेता है कि अरे कोई नहीं करते रहो कमेंट, ये तो कुछ बोल नहीं रही है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी फैमिली, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी मुझे कहीं भेज रहे हैं तो ही मैं जा रही हूँ, है ना। क्योंकि आपको पता है जब जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया कि हमें कहीं जाना है और हम चले गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जब तक आपकी पूरी फैमिली आपको नहीं बोलेगी कि आपको चले जाना है। अगर मम्मी ने हाँ कर दी और पापा जी ने हाँ नहीं किया तो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले पापा जी को भी मनाया जाए, सभी मान जाए, उसके बाद हम लोग कहीं जाएं, ठीक है। और मेरे यहाँ पे मेरे केस में पता है क्या है कि मेरा कहीं जाने से पहले मुझसे ज़्यादा मम्मी बोलती हैं कि नहीं चले जाओ, नहीं चले जाओ, नहीं चले जाओ। क्योंकि आप सभी को पता है मेरी शादी जब हुई थी तो उसके तुरंत एक दो महीने बाद कोविड आ गया था, जो कि बहुत ही मतलब गंदा वाला सिचुएशन था। तो हम लोग मतलब एक साल तक कहीं नहीं निकले, यहाँ तक कि हम लोग मार्केट कहीं भी नहीं गए हम एक साल तक कोविड की वजह से। तो मम्मी को भी लगता है कि यार इनकी नई नई शादी हुई, और नई नई शादी में ना सभी को होता है कि घूमना है, फिरना है, लाइफ को इन्जॉय करना है, क्योंकि वही जो समय होते हैं ना वो लाइफ टाइम याद रहते हैं, जो वो टाइम होता है। बट हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम लोग कहीं नहीं जा पाए, हम अकेले कहीं घूम नहीं पाए, हम जा ही नहीं पाए, हम सिर्फ घर में रहें। तो इसलिए मम्मी को स्टार्टिंग से लगता है कि ये लोग कहीं जाए, घूमें फिरें, इनको मतलब वो चीज़ जो चला गया टाइम वैसा इन लोग का वो हो। तो इसलिए हमेशा हमारे कहीं जाने से ऐसा नहीं होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया और हम चल दिए, जी नहीं, हम अपने सासू माँ हमारे ससुर जब हम भेजते हैं तब जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि हम सबका परमिशन लेके जाते हैं, और सेकंड चीज़ ये कि मैं कोई 10 से 15 दिनों के लिए नहीं जाती हूँ, जो आप लोग को ये लगता है कुछ लोगों को कि अरे निक्की दी तो घूमने निकल गई, अब घर का काम कौन करेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैं मथुरा भी गई हूँ ना, तो सिर्फ 2 दिन के लिए गई हूँ। मैं अमृतसर गई हूँ तो वो भी मैं सिर्फ 2 दिन, एक दिन हम वहाँ रुके हैं, एक दिन शाम को गए हैं, एक दिन वहाँ रुके हैं और नेक्स्ट डे हम लोग आ गए हैं। तो अब खुद सोचो कि मतलब कितने दिन के लिए मैं गई हूँ, कि मतलब कितने दिन से मैंने अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ के मैं घूम रही हूँ, सिर्फ 4 दिन गई हूँ मैं, बाकी पूरी
टाइम मैं अपने घर की जिम्मेदारियाँ अपने घर के काम ही करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना घर का काम छोड़ के और मैं सिर्फ घूम रही हूँ, जी नहीं। मैं सिर्फ 4 दिन के लिए निकली हूँ और उसमें कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो घर का कुछ काम नहीं करती हैं, सारी चीज़ें छोड़ के और सिर्फ घूमती रहती है, तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि आपका काम कोई भी आपके ससुराल में नहीं करता है, ठीक है। आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप आराम कर रहे हैं और आपका सारा काम कोई और कर रहा है और वो भी बहुत खुशी खुशी, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर ऐसा किसी के ससुराल में होता है जो आराम करते हैं और उनकी सासू माँ और बाकी जो भी फैमिली मेम्बर हैं वो सारे काम करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपसे मिलना चाहूँगी कि वाह कितनी अच्छे वो हैं कि आप आराम करती हैं बाकी सभी आपका काम करते हैं। तो किसी के भी मुझे नहीं लगता कि किसी के ससुराल में ऐसा होता होगा, सबको अपना काम करना पड़ता है, सबको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, चाहे थोड़ी निभाओ चाहे ज़्यादा निभाओ, बट आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं अपने घर का काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आराम करती हूँ। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं शो नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा चैनल है, बीच में मैंने स्टार्ट भी किया था कि मैं किचन के काम दिखाऊँ, ये दिखाऊँ, वो दिखाऊँ, बट फिर मुझे लगा ना कि यार मैं कुछ लोगों को यकीन दिलाने के लिए चीज़ कर रही हूँ, तो फिर मेरा मन नहीं किया कि ना। फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो शेयर करती हूँ जो मेरा डेली रूटीन होता है वो, बट मैं अब आप ये सोचो कि मैं पूरा दिन सुबह मैं उठ रही हूँ, कितने बजे उठ रही हूँ, मैंने क्या खाया, मैंने किसको क्या दिया, मैंने क्या किया, ऐसे वीडियो बनाऊँ ना तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉग, फैशन, ब्यूटी और फैमिली फंक्शन, ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि वो डेली जो मैंने वॉशरूम साफ़ किया तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैंने दाल बनाया तो मैं आपको शेयर करूँ, मैंने चावल बनाया तो मैं आपको शेयर करूँ, मैंने कोई स्पेशल डिश बनाई तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक तो पहली बात कि मैं कोई खाना बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को इतना आता है कि मैं अपनी फैमिली का पेट भर सकूँ, मैं अपने परिवार को खिला पाऊँ, इतना मुझे आता है। बट मुझे कोई बहुत ही बेहतरीन डिश बनाने नहीं आता, और जब मैं बनाती हूँ तो मेरा जो दिमाग होता है ना, मुझे मेरे साथ दिक्कत है कि जब मैं ऐसा कुछ खाना बनाती हूँ तो मैं उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाता है, फिर मेरा वीडियो और खाना ऐसे बट जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो के चक्कर में मेरा जो खाना है वो ख़राब हो और मेरी फैमिली ख़राब खाना खाए, तो इसीलिए जब भी मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, जब हो पाता है तो मैं शेयर करती हूँ, जब नहीं हो पाता है तो मैं शेयर नहीं कर पाती। क्योंकि एक तो जब आप खाने का कुछ ब्लॉग बना रहे होते हो ना, तो आपका एक प्रॉपर बंदा चाहिए होता है जो आपका एक एक चीज़ शूट करे, ठीक है। और उस टाइम पे आपने नमक डाला तो फिर आपको ध्यान नहीं होता कि आपने नमक डाला, आपको रिकॉर्ड करना है, तो वो डिश आधी अधूरी बनेगी। तो इससे अच्छा ना मैं इसीलिए खाने का कोई डिश वगैरह शेयर नहीं करती हूँ, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा अमृतसर जाने का प्लान था वो सडन प्लान था, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से प्लान था और वो कैंसिल हो सकता था। और मुझे नहीं लगता कि मेरे को मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई सिचुएशन था जिसको हमें वो प्लान कैंसिल करना पड़ता, नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि कैंसिल करना पड़ता। मम्मी का सडन प्लान बना था तो मम्मी का जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नानी जी को बहुत याद आ रही थी, नानी जी बहुत मिस कर रही थी, मिलना था, तो मम्मी भी चली गई, हम भी चले गए। और अगर ऐसी सिचुएशन होती जहाँ हमें लगता कि नहीं यार हमें प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए, तो हम बिल्कुल करते, बट मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं लगी, हमें बिल्कुल भी नहीं लगी, हमें लगा कि हमें जाना चाहिए। और अगर आप कुछ अच्छा करो तो उसमें गलत, अभी अब मैं क्या करती ना, मैं सुबह से उठ के वही किचन ब्लॉग, वही सारे काम अगर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ जो मैं रेगुलर करती हूँ, तो बोलते हैं कि क्या बोरिंग कर रहे हो यार, आपके पास बस यही है दिखाने के लिए, वही किचन का, ये तो हम भी करते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। और अभी मैं ट्रेवल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं आप तो सिर्फ घूमते हो, तो उसमें प्रॉब्लम है। मैं कोई फैमिली फंक्शन होता है वो ब्लॉग शेयर करती हूँ तो बोलते हैं आपके घर में तो रोज का यही है, आप लोग फालतू के पैसे खर्च करते हो। फिर कभी मैं कोई डांस वीडियो शेयर करती हूँ, आपको तो बस सिर्फ नाचना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो कहीं जीने नहीं देते, कैसे भी नहीं जीने देते, उनको हर चीज़ में नेगेटिव ही बोलना है। तो उनके लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप अगर किसी गलत चीज़ों को भी अगर पॉजिटिव तरीके से देखोगे ना, तो आपकी जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा। बट कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छी चीज़ों में भी सिर्फ नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, तो उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कितना समझा लें, हम कुछ भी कर लें। पिछले 2 साल से मैं वैसे लोगों को समझा ही रही हूँ कि आप ऐसा मत करो, बट स्टिल आज तक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कुछ समझ नहीं आया है। तो अब ऐसे लोगों के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं कि हम सिर्फ 4 दिन के लिए घूमने गए थे, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा 2-4 महीनों के लिए अपने
पूरा घर की जिम्मेदारियाँ छोड़ के, अपने सास ससुर को छोड़ के और घूम के एकदम मस्ती कर रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जी नहीं, सिर्फ 4 दिनों के लिए गए थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों के लिए। और हम लोग पूरा घर पे ही थे, पूरी सेवा कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम गए थे। और सेकंड चीज़, घर का काम मैं आपको बता दूँ कि मेरे जो घर का काम है, मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ, हमारे घर में मेड है जो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, यहाँ तक कि जो हमारे कपड़े जो धुल जाते हैं वॉश मशीन वगैरह में, वो तक वो डालती हैं, तो वो सभी काम करती हैं। जो आप रवीना हैं, उनकी मम्मी, आपको पता है, सब कुछ करती हैं। तो आप इसके अलावा बताओ कि घर में क्या काम होता है। डस्टिंग होता है, डस्टिंग तक वो करती है, ऐसा नहीं है हम अगर उसके साथ थोड़ा सा मिल जाए तो वो करती है, डस्टिंग भी करती है। तो हमें सिर्फ खाना बनाना होता है, जो कि सुबह, दोपहर और शाम, तीन टाइम का हमें खाना बनाना होता है, इतना काम होता है हमारे पास। और हमें हमारे बच्चे संभालने होते हैं, प्लस हमें हमारे जो पापा जी हैं उनको चाय चाहिए होता है, वो देना होता है। बहुत काम नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत ऐसी औरतें होती हैं जिनके घर में मेड नहीं होते हैं और वो प्रॉपर सब कुछ संभालती हैं, ठीक है, सब कुछ करती हैं, सब कुछ करती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं काम करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब, और वो कभी शो नहीं होते हैं देते हैं कि सीरियस, जैसे मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरे घर में कोई मेड नहीं है, मेरे घर पे सारी चीज़ें मेरी मम्मी अकेले मैनेज करती है, झाड़ू पोछा से लेके एवरीथिंग। और रानी भी करती है, बट उसका तो स्कूल होता है, पढ़ाई होता है, तो वो थोड़ा सा कम करती है, बट अकेले मेरी मम्मी सारी चीज़ें करती हैं। ऐसी बहुत ऐसी औरतें होंगी जो अकेले सारी चीज़ें करती हैं, बट हमें तो फिर भी बहुत छूट मिली हुई है कि हमारे घर में मेड है, हमें ज़्यादा काम नहीं होता है, सुबह का खाना होता है, दोपहर का और शाम का, तो इतना काम नहीं होता है जो मैं आप सभी के साथ शो करूं कि मैं ये काम कर रही हूं, मैं ये काम कर रही हूं, मैं वो काम कर रही हूं। रात का कभी कभी मतलब रात का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो भी सिर्फ एक्स्ट्रा एक बर्तन होता है खाना बनाने के अलावा, और कुछ नहीं होता। बाकी छोटे मोटे काम होते हैं, वो तो चलते फिरते हो जाते हैं, तो वो ऐसा कोई काम होता नहीं है जो मैं शो करूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे लगता है कि ये कुछ नहीं करती इसलिए मैं दिखाती नहीं है, कुछ नहीं करती इसलिए मैं दिखाती नहीं है, ऐसा नहीं होता है। काम ही नहीं है तो मैं क्या दिखाऊँ। बर्तन, झाड़ू पोछा तो रवीना वगैरह ने कर दिया, कपड़े उन्होंने डाल दिए, ठीक है, रूम का थोड़ा बहुत बेडशीट चेंज करना हो गया, डस्टिंग थोड़ा बहुत करना हो गया, खाना बनाना हो गया, बस इतना सा काम होता है। वो भी आप लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर हम लोग दाल चावल ही खाना पसंद करते हैं, उसके साथ हमने एक दो सब्जी एक्स्ट्रा बना ली, तो ये भी कोई काम नहीं होता। प्लस उसमें खाना में भी मैं आपको बता दूँ ना कि अगर 4 दिन हमने बनाया ना खाना, तो एक दिन वो मम्मी को बनाना ही है अपने बेटों के लिए, कि उनको लगता है कि नहीं आज मैं अपने बच्चों को बना के खिलाऊंगी, और उनके बेटों को भी लगता है कि नहीं आज मम्मी के हाथ का खाना है कुछ। तो उन 4 दिनों में से 1-2 दिन तो मम्मी ने ही बना दिया, ठीक है, 1-2 दिन हम लोगों ने बाहर से कुछ मंगा के खा लिया। तो क्या दिखाऊँ मैं, आप खुद मुझे बताओ मैं क्या दिखाऊँ, आप लोग कौन सा ऐसा काम दिखाऊँ जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब मम्मी के पैर दबाने हो गए तो वो तो कोई काम नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, या पापा जी को 2 बार चाय दे दिया तो वो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो नॉर्मल है। तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ जो मेरा घर का काम वाला जो रूटीन है, जो बहुत लोग देखना चाहते हैं, वो मैं नहीं शेयर कर पाती, बिकॉज होता ही नहीं है कुछ काम, सिर्फ खाना बनाने वाला काम होता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। बाकी सब कुछ रवीना है, बाकी और भी जो थोड़े बहुत काम होते हैं ना, उसमें भी रवीना हमारा प्रॉपर साथ देती है। बच्चा संभालना होता है, बस बच्चा संभालने के लिए भी मम्मी पापा के पास ज़्यादा रहती है, धनवी मेरे पास नहीं रहती है, तो मैं धनवी का भी रूटीन शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादातर तो मम्मी पापा संभालते हैं। और बस मेरा यूट्यूब का होता है और थोड़ा बहुत काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बस यही रीज़न है कि मैं आप सभी के साथ इस जो मेरा घर का काम वाला है वो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये कुछ नहीं करते ना इसलिए शेयर नहीं करते, कुछ नहीं करते ये इसलिए शेयर नहीं करते। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अपने घर का काम, अपने घर की चीज़ें नहीं शेयर करते, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ नहीं करते, वो भी बहुत कुछ करते हैं बट वो शेयर नहीं करते, वो इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा ही करते होंगे बट वो शेयर नहीं करते होंगे। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, बहुत लंबी बातें कर ली मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट मैं फिर भी सोच रही हूँ ना, वो पूरा दिन वाला जो 1 कप मैंने अगर चाय भी दिया ना तो वो भी मैं शेयर करूँगी, 1 कप मैंने किसी को पानी दिया तो मैं वो भी शेयर करूँगी, सारी चीज़ें पूरा दिन से लेकर शाम तक मैं एक वीडियो बनाऊँ, बहुत जल्दी बनाऊँगी, देखती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि जी नहीं हम काम करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही जना सब कुछ करता है, नहीं, सभी लोग मिलके करते हैं, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे के ऊपर सारा बर्डन है, एक ही बंदा कर रहा है, नहीं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा मिलजुल के काम करते हैं। तो सभी का अपना अपना काम बटा हुआ है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, तो सभी लोग मिलके कर लेते हैं, जो हमारे हिस्से का काम है वो कर लेते हैं। सो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप चीज़ें थोड़ी सी लोगों को समझ आ गई होंगी और अब थोड़ा कम इस चीज़ को लेकर नेगेटिव बोलेंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट कुछ और जानना होगा तो कमेंट कर देना इसके नीचे, हम बता देंगे, हम तो फ्री हैं आप लोगों के लिए।